अच्छा, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस एक्चुअली वो होते हैं कि मतलब जो ऐसी डिजीजेज जिनकी आपस में सिम्टम्स सेम हो, इनके मिलती जुलती हो, ठीक है, तो फिर हमने उनको डिफरेंशिएट करना होता है। तो आपने पेप्टिक अल्सर को इन डिजीजेज से डिफरेंशिएट करना है कि क्या ये डिजीजेज तो नहीं है, क्योंकि इनकी सिम्टम्स और पेप्टिक अल्सर की सिम्टम्स कुछ मिलती जुलती हैं, ठीक है। तो उनमें से कुछ एक आधी स्पेसिफिक सिम्टम होती है जिसकी बेस पे आप लोगों ने इनको डिफरेंशिएट करना होता है। तो नियोप्लाज्मा, स्टमिक, पेंक्रियाटाइटिस, पेंक्रियाटिक कैंसर, डायवर्टिकुलोसिस, नॉन न्यूक्लियर डिस्पेप्सिया, कोलिसिस्टाइटिस, गैस्ट्राइटिस, गर्ड और एमआई, ये जितनी भी डिजीजेज हैं इन सब की सिम्टम्स ऑलमोस्ट मिलती हैं पेप्टिक अल्सर से। तो इनको आपने आपस में डिफ्रेंशिएट करना है। अच्छा, डायग्नोस में इसमें आपने वही सारी चीजें करनी है जो हमने गैस्ट्राइटिस में की थी। लैब्स में वो सीबीसी, एलएफटीज, एच पेलोरी का टेस्ट करना है। उसके लिए आपने यूरिया ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट करने हैं, स्टूल्स को टेस्ट करना है, और उसके अलावा एंडोस्कोपी करवानी है, ठीक है। ये सिर्फ आप लोगों ने टेस्ट के नेम याद करने हैं। अच्छा जी, ट्रीटमेंट में आप लोगों ने सबसे पहले इसकी करनी है ट्रिपल थेरेपी फॉर 14 डेज, यानी कि 14 डेज के लिए ये मेडिसिन यूज करनी है। प्रोटीन पंप इनहिबिटर, कैलिथ्रोमाइसिन एंड अमोक्सिलिन। जो गैस्ट्राइटिस थे उसमें भी हम प्रोटीन पंप इनहिबिटर और कैलिथ्रोमाइसिन यूज कर रहे थे, लेकिन अमोक्सिलिन नहीं यूज करते, ठीक है। तो इसमें अमोक्सिलिन भी यूज होनी है एंटीबायोटिक्स। इन द सेटिंग ऑफ एक्टिव अल्सर कंटिन्यू प्रोटीन पंप इनहिबिटर थेरेपी फॉर एडिशनल 2 वीक्स, ठीक है। तो अगर अगर एक्टिव अल्सर है यानी कि, और उसके लिए फिर आप लोगों ने प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स को 2 वीक मजीद वीक के लिए यूज करना है। इसके मेडिसिन में सिर्फ वही आप लोगों ने नाम याद करने हैं, एच टू रिसेप्टर ब्लॉकर्स, प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स, ठीक है। सबसे पहले हमने मैनेजमेंट स्टार्ट की। मेडिसिन में आपने सिर्फ 3 चीजें बतानी है कि हम प्रोटीन पंप इनहिबिटर यूज करेंगे, कैलिथ्रोमाइसिन यूज करेंगे एंड एमोक्सिलिन यूज करेंगे। अच्छा, लाइफस्टाइल चेंजेस में जितने भी आपने कॉजेज हैं उन सबको अवॉइड करना है। जैसे एनसेड की वजह से होता है तो आपने एनसेड नहीं लेने। एसिड सप्रेशन यानी कि ऐसे उसके लिए आप एनसेड लेने हैं। स्मोकिंग सेसेशन, नॉन डाइटरी रिस्ट्रिक्शन अनलेस सर्टेन फूड आर एसोसिएटेड विद प्रॉब्लम, यानी कि डाइटरी रिस्ट्रिक्शन पेप्टिक अल्सर में कुछ नहीं होती। और इसके अलावा अल्कोहल को मॉडरेशन में यूज करना है, और स्ट्रेस रिडक्शन, स्ट्रेस को कम करना है। ये सारे थे इसके, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और प्रिवेंशन को एक ही आपने कैटेगरी में रखना है, ठीक है। तो आपने एनसेड यूज नहीं करने, एसिड सुप्रेशन के लिए एनसेड यूज एंटासिड यूज करने हैं, स्मोकिंग सेसेशन करनी है, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें एस सच कोई, अल्कोहल को मॉडरेशन में यूज करना है और स्ट्रेस को रिड्यूस करना है। और प्रिवेंशन भी वही है जो आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, इसमें से एक सिर्फ आपने लाइफस्टाइल चेंजेस करनी है। अच्छा, इसके कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस में इसमें सबसे पहले एक कॉम्प्लिकेशंस इंपॉर्टेंट है। इसकी कॉम्प्लिकेशन में से क्वेश्चन आता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर। सबसे पहले परफोरेशन होगी, और उसके बाद पेनिट्रेशन इनटू अदर ऑर्गन जैसे कि पैंक्रियाज, लीवर और रेट्री पेरिटोनियल स्पेस। तो परफोरेट कर सकता है और इसकी पेनिट्रेशन हो सकती है। दूसरी पेरिटोनाइटिस, क्योंकि जब परफोरेशन होगी तो वो जो सारा ब्लड है वो पेरिटोनियल कैविटी में जाएगा, जिसकी वजह से पेरिटोनाइटिस यानी कि पेरिटोनियम की इन्फ्लेमेशन होगी, ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। बोवल की ऑब्स्ट्रक्शन होगी क्योंकि अल्सर्स बनते हैं, और अल्सर इतने ज्यादा हो जाते हैं कि जिसकी वजह से वो स्टिनोसिस यानी कि नैरो हो जाता है गैस्ट्रिक आउटफ्लो, और उस वजह से जो बोवल ट्रैक है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। और इसके अलावा ब्लीडिंग और गैस्ट्रिक कैंसर। तो 5 से 6 इसके हैं कॉम्प्लिकेशन, ये आप लोगों ने मस्त याद करनी है। परफोरेशन और पेनिट्रेशन, पेरिटोनाइटिस, बोवल ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लीडिंग एंड गैस्ट्रिक कैंसर। और अब बुक में से आप लोगों ने, जी बिल्कुल डिफरेंट है इसमें, बुक में से आप लोगों ने एक टेबल है वो करना है, डिफरेंस बिटवीन गैस्ट्रिक एंड पेप्टिक अल्सर, ठीक है। तो सेकंड डिजीज जो हम लोगों ने की है वो है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर में सबसे पहले आपने क्या बताना है कि जो जीआईटी ट्रैक है उसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो उसमें ब्रेक डाउन को हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर। अगर ये ड्यूडिनम में होगी तो ड्यूडिनल कहेंगे, अगर स्टमक में होगी तो गैस्ट्रिक अल्सर कहेंगे, अगर इसोफेगस में होगी तो इसको इसोफेगल अल्सर कहेंगे। पैथोफिजियोलॉजी में आपने बताना है, मैं आपको बता दूंगा। पैथोफिजियोलॉजी में आप लोगों ने बताना है कि इसमें
एक तो एच पायलोरी और एनसीड की वजह से इसमें ब्रेकडाउन हो सकती है, दूसरा इसमें कुछ स्ट्रेसफुल इवेंट जैसे इन्फेक्शन, फिजिकल या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से म्यूकस लाइनिंग ब्रेकडाउन हो सकती है। सिम्टम में सबसे पहले पेन का आपने बताना है, उसके बाद आप पेन अगर ड्यूडिनम में होगी तो आफ्टर मील जो है वो रिलीव हो जाएगी, लेकिन गैस्ट्रिक में आफ्टर मील ये ज्यादा होगी। उसके अलावा बाकी सिम्टम नोजिया, वॉमिटिंग, डिस्पेप्सिया, ब्लोटिंग, डिस्कम्फर्ट वो सेम रहेंगे। एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस, सक्सेशन सप्लैश होगा, और उसके अलावा ये डिफरेंशियल डायग्नोस यानी कि जो जिसकी सिम्टम्स लाइक पेप्टिक अल्सर होती है उसमें नियोप्लास, पैंक्रियाटाइटिस, पैंक्रियाटिक कैंसर, डायवर्टिकुलाइटिस, ये कोलिसिस्टाइटिस, गैस्ट्राइटिस, ये सारे हैं। ठीक है, डायग्नोस में आपने एक तो इसका सीबीसी एलएफटीज करवाने हैं और स्टूल टेस्ट करवाना है और एंडोस्कोपी करवानी है। ट्रीटमेंट में इसमें ट्रिपल थेरेपी यूज करते हैं 14 डेज के लिए। ये आपने इसमें सिर्फ मेडिसिन में याद रखना है, जिसमें प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स, कैलरीथ्रोमाइसिन एंड अमोक्सिलिन यूज होते हैं। और इसके बाद लाइफस्टाइल चेंजेस में आपने एनसेन नहीं लेने, एंटीएसिड को यूज करना है ताकि एसिड सप्रेशन हो, स्मोकिंग को प्रिवेंट करना, सेजेशन और नो डाइट रिस्ट्रिक्शन ऐसा कुछ नहीं है, और अल्कोहल को मॉडरेशन में यूज करना है और स्ट्रेस रिडक्शन करनी है। पेप्टिक अल्सर बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, ये पेप्टिक अल्सर गैस्ट्राइटिस इन दोनों में से क्वेश्चन मोस्टली आता है। पेप्टिक अल्सर की कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत पूछी जाती हैं, डिफरेंस भी आ सकता है आपको गैस्ट्रिक और ड्यूडिनल में, या आपको गैस्ट्राइटिस की टाइप्स पूछी जा सकती हैं, या आपको साइनस सिम्टम्स दोनों में से किसी के पूछे जा सकते हैं। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन में इसके परफोरेशन, पेनिट्रेशन हो सकती है, पेरिटोनाइटिस, बोवल ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लीडिंग एंड गैस्ट्रिक कैंसर। यहाँ तक सबको क्लियर है? जी सर। ठीक है, जीनत शबीर, यस अच्छा आप मुझे यस सर। बताएं कि व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पेप्टिक अल्सर। सर पेप्टिक अल्सर में जो है ना वो सर पेप्टिक अल्सर में पेन होती है और जो है ना फूड वगैरह लेने से वो पेन रिलीव हो जाती है, मतलब खाना खाने से, और खाना खाने के 2 to 3 hours के बाद जो है ना फिर से दोबारा से वो पेन स्टार्ट हो जाती है। नहीं, ऐसे तो नहीं मैंने बताया, जी मैंने डिफरेंस आपको बताया था, डिफरेंस बिटवीन गैस्ट्रिक और ड्यूडिनल में। इधर पेन में जो ड्यूडिनल अल्सर है उसमें आफ्टर मील जो है वो पेन रिलीव होगी अगर ड्यूडिनम का अल्सर होगा, लेकिन अगर गैस्ट्रिक यानी कि स्टमक अल्सर होगा तो आफ्टर मील जो है वो पेन और ज्यादा होगी। ठीक है, उसके अलावा और कौन कौन से इसमें साइन सिम्टम्स है पेन के अलावा? अच्छा मैं बताऊं, आपका नाम? तुबा सर ठीक है, तो बताओ आप। आपने, जी सर आपने हमें बताया था साइन एंड सिम्टम्स में ये दो तरह के होंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मीन जो हमें पेशेंट बताएगा कि उसको पेन हो रहा है, एचिंग या फिर बर्निंग हो सकती है, और उसमें जो दो टाइप्स हैं ड्यूडिनल या फिर गैस्ट्रिक। ड्यूडिनल में ऐसा होगा कि मतलब जब वो फूड लेगा तो उसको एसिडिटी या फिर दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, बट उसके बाद 1 to 3 hours के बाद जो है वो खत्म हो जाएगा। फिर गैस्ट्रिक में ये होता है कि अगर वो एंटीसिड्स वगैरह भी ले रहा है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उसका पेन जो है बढ़ता बढ़ता जाएगा, नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह, एनोरेक्सिया, डिस्कम्फर्ट होता जाएगा। और जो ऑब्जेक्टिव में अगर हम देखेंगे ना उसमें ये आ जाएगा कि जो एपिगेस्ट्रिक जो है टेंडरनेस हो जाएगी, कि जब हम उसको पालपेट करेंगे एपिगेस्ट्रिक रीजन में तो फिर वो टेंडर हुआ होगा, उसके बाद टैरी स्टूल्स होंगे उसके। और आपने एक बात बताई थी उसको क्या पढ़ना था, सॉरी मुझे वो पढ़ना नहीं सक्सेशन आ रहा। सप्लैश, हाँ जी सक्सेशन सप्लैश, उसमें ठीक इसमें ये होता है जब हम एपिगेस्ट्रिक को मतलब उसको थोड़ा हिलाती है ना तो उसमें फ्लूइड अकोमुलेशन हुई होती है, जिसकी वजह से वो ठीक है, एक ओके, आवाज वेरी गुड। प्रोड्यूस होती है जिसको हम ये अच्छा बोलेंगे आयशा, आयशा सक्सेशन जमील, सप्लैश। आयशा, ओके वेरी गुड। आयशा जमील आप मुझे ये बताएं कि लाइफस्टाइल चेंजेस क्या होंगी इसके लिए, एच पाइलोरी के लिए, सॉरी पेप्टिक अल्सर के लिए। आयशा जमील, आयशा जमील आवाज आ रही है आपको? ठीक है, हाफ़िज़ा हिजरा आपको आवाज आ रही है? यस सर। आप बताएं लाइफस्टाइल चेंजेस क्या होंगी इसकी। सर एनसिड्स नहीं लेने और स्मोकिंग नहीं करनी। ठीक है, और और यही अल्कोहल। स्मोकिंग, अल्कोहल? ठीक है, हाँ जी, जी ठीक है, ओके गुड।
अच्छा एक डिजीज हो रहा है कि ये इसको हम अभी डिस्कस करते हैं, जस्ट गैस्ट्रिक कैंसर जी। सर आप यूरिनरी अल्सर का क्या बताया कि हमें खाना खाने के बाद फौरन पेन होगा या 2 to 3 hours के बाद पेन जो ड्यूडिन होगा? ड्यूडिनम है वो उसमें क्या होगा कि आफ्टर मील आपकी पेन जो है वो रिलीव होगी, लेकिन जो गैस्ट्रिक अल्सर है उसमें आपको खाने के फौरन बाद जो है पेन आपकी इंक्रीज हो जाएगी। सर आपने 2 to 3 hours ऑफ मील किसका बताया कि पेन स्टार्ट हो जाएगी? वो आपका है गैस्ट्रिक अल्सर में, मैं आपको उसमें सॉरी ड्यूडिनल अल्सर में, ड्यूडिनल ड्यूडिनल में बताया था आपने, में बिल्कुल ड्यूडिनल में ही था, सर ड्यूडिनल अल्सर में 2 to 3 hours के बाद पेन स्टार्ट हो लेकिन जाएगा आफ्टर वो मीडिया लेकिन इमीडिएटली मील। ड्यूरिंग अल्सर अगर 1 to 3 hour मील्स एंड मे अवेकन पेशेंट, बट पेशेंट पेन इज लीड बाय फूड एंड सेसर और वॉमिटिंग, यानी कि अगर आप 1 to 3 hours होती है लेकिन अगर आप उसके फौरन बाद मील लेते हैं तो आपको फौरन जो है वो पेन आपकी रिलीव हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर जो हमें पेन हो रहा है हम फौरन से मील लेना तो पेन रिलीव हो मील, जाएगा हाँ जी मील से रिलीव होगा, लेकिन जो गैस्ट्रिक है उसमें आफ्टर मील जो है वो पेन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमने पहले हमने मील लिया तो ड्यूरिंग अल्सर का पेन रिलीव करने के लिए, फिर आफ्टर 2 to 3 hours पेन दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। ये मोस्टली मतलब इमिडिएटली आफ्टर मील स्टार्ट नहीं होती इसमें पेन, गैस्ट्रिक अल्सर में इमिडिएटली आफ्टर मील स्टार्ट होती है, लेकिन ड्यूडिनम में आफ्टर 1 to 3 hours आफ्टर पेन पेन स्टार्ट होती है मील्स के, ठीक है। और फिर रिलीव इमीडिएटली आफ्टर मील होती है। यस इमीडिएटली एंटासिड लेते हैं या फूड लेते हैं, अगर वॉमिटिंग होती है तो उससे पेन जो है वो रिलीव हो जाती है आपकी। फिर हमने जो फूड लिया वो डायरेक्टली जाएगी तो स्टमक में ना, उसमें तो देर से जाती है ड्यूरिनम में, तो इमीडिएटली नहीं इमीडिएटली तो कैसे रिलीव और इट्स मीन होगा? ये होगा ना कि आपको स्टमक अल्सर नहीं होगा, सिर्फ आपको ड्यूडिनम कल्सर होगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच। अच्छा नेक्स्ट है आपका गैस्ट्रिक कैंसर, लास्ट डिसऑर्डर्स है डिसऑर्डर्स ऑफ स्टमक में गैस्ट्रिक कैंसर। अच्छा गैस्ट्रिक कैंसर आपको ना, मैं एक चीज आपकी आसानी के लिए, कोई भी हम जैसे पहले हमने ओरल और ईसोफेगस डिसऑर्डर किया था, अब हमने किया था गैस्ट्रिक डिसऑर्डर, तो सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होती हैं एक पोर्शन को, अगर इसोफेगल थी तो वो जितनी भी डिसऑर्डर्स थी उनके सबके ऑलमोस्ट सिम्टम्स सेम थी, एक दो डिफरेंस थी। इसी तरह हमने स्टमक के डिसऑर्डर्स किए हैं तो इसमें जितनी भी डिसऑर्डर्स करेंगे उसमें से 70 to 80% सिम्टम्स सब डिसऑर्डर्स में सेम होंगी, 2 से 3 डिफरेंट होंगी, वो बस आपने याद रखनी है, ठीक है। तो जैसे हमने गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर किया तो उसमें से एक दो सिम्टम सिर्फ डिफरेंस थी, बाकी सारी वही नोजिया वोमिटिंग इंडाइजेशन डिस्पेप्सिया हेमाप्सिस मेलिना वो सारे सिम्टम दोनों में, तो मोस्टली सिम्टम एक जो पोर्शन करते हैं उसकी सेम होती है, कुछ एक दो डिफरेंस होती है वो आपने याद करनी होती है, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने इसको स्मार्टली स्टडी करना है, कन्फ्यूज नहीं होना ज्यादा। अब है गैस्ट्रिक कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर में आप लोगों ने सबसे पहले इसकी पैथोफिजियोलॉजी करनी है, पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले उन्होंने बताया कि किसी भी जगह हो सकता है बट मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर इन लोअर लेसर कर्वेचर, द ट्यूमर इनफिल्ट्रेट द सराउंडिंग म्यूकोसा पेनिट्रेट द वॉल ऑफ स्टमक एंड एडजेसेंट ऑर्गन एंड स्ट्रक्चर एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस लीवर पैंक्रियाज इसोफेगस एंड ड्यूडेनम आर ऑफन अफेक्टेड। अच्छा पैथोफिजियोलॉजी में आपने सिंपली उन्होंने ये बताया कि ये किसी भी जगह हो सकता है, लेकिन सब मोस्टली होता है कि जो लेसर पार्ट ऑफ स्टमक है उसमें होता है, ये सबसे पहले ट्यूमर जो है वो म्यूकोसा में स्टार्ट होता है, लेकिन फिर ये बाद में स्टमक में के पूरी वॉल में और दूसरे एडजेसेंट ऑर्गन जो है जैसे लीवर पैंक्रियाज एसोफेगस और ड्यूडिनम में को भी इफेक्ट करता है। इसकी सिम्टम इतनी जल्दी शो नहीं होती इसलिए इसका अर्ली डायग्नोस नहीं होता और दूसरे ऑर्गन जो है वो भी इससे इफेक्ट हो जाता है, ये आपके एक कंसेप्ट के लिए पैथोफिजियोलॉजी को देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सिम्टम्स, सिम्टम्स सारी वही हैं, पेन रिलीव बाय एंटासिड डिस्पेप्सिया अर्ली सेटरी वेट लॉस एब्डोमिनल पेन अबव द एम्बिलिकस लॉस ऑफ एपिटाइट एंड नोजिया वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपिटाइट को हम आप एनोरेक्सिया भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सारी सिम्टम वही हैं कि पेन है डिस्पेप्सिया है वेट लॉस है एब्डोमिनल पेन और लॉस ऑफ एपिटाइट और इसके बाद नोजिया एंड वोमिटिंग, कोई ऐसे सिम्टम जो आपको समझ नहीं लग रही हो, ठीक है। सारी वही सिम्टम है जो आपने गैस्ट्राइटिस और उसमें देखी है। असेसमेंट में जब भी कैंसर होगा तो उसके लिए अगर बायोप्सीज मस्ट करवाते हैं, इसमें ये है कि गैस्ट्रिक है तो इसके लिए इसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडिनोस्कोपी ईजीडी करवाते हैं, गैस्ट्रोड्यूडिनोस्कोपी जिसमें हम गैस्ट्रिक को ड्यूडिनम को और इसोफेगस को देखा जाता है एक ट्यूब के थ्रू, तो ईजीडी करवाई जाती है और उसके साथ इसमें बायोप्सी करवाई जाती है। बाकी इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन से इसका पता नहीं चलता क्योंकि ये पालपेबल नहीं होते,
और इन एडवांस केस गैस्ट्रिक मास में भी बहुत ज्यादा एडवांस हो तो फिर ये पल्पेबल हो सकता है। सर आपने बायोप्सी के बाद क्या चीजें बताई हैं मुझे समझ में? सबसे इसमें ना पहले जो स्टार्ट में बताया ना उसमें ये बताया कि फिजिकल एग्जामिनेशन में इससे पता नहीं चलता क्योंकि ये जो है ना ट्यूमर ये पल्पेबल नहीं होता। बहुत ज्यादा एडवांस हो जाए तो फिर ये पल्पेबल होता है, मोस्टली ये पल्पेबल नहीं होता। उसके बाद आपने ये बताना है कि इसमें हम ईजीडी करवाएंगे, इसोफेगो गैस्ट्रोड्यूटिनोस्कोपी। ये एंडोस्कोपिक स्टडी है इसोफेगस की, गैस्ट्रो स्टमक की और ड्यूटिनम की, तीनों को देखा जाता है। उसके बाद इसके साथ में इसकी बायोप्सी भी की जाती है ताकि पता चले कि ट्यूमर कहाँ तक स्प्रेड हुआ है। ये इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं। और इसके अलावा सिटी वगैरह जितने भी कैंसर हैं उसमें ऑलमोस्ट हम करवाते हैं ताकि उसकी स्टेजिंग का पता चल सके कैंसर का। सिटी करवाएंगे इसमें चेस्ट का, एब्डोमन का और पेल्विस का, सबका करवाते हैं ताकि पता चले कि कहीं ये दूर पेल्विस तक तो स्प्रेड नहीं हुआ या चेस्ट के ऑर्गन्स तक तो स्प्रेड नहीं हो गया। अच्छा जी, कैंसर में मेडिसिन का मैंने आपको बताया था कि तीन चीज़ें हमने करनी है। सबसे पहले हम कहेंगे कीमोथेरेपी जिसमें हम मेडिसिन देते हैं, फिर उसके बाद रेडिएशन थेरेपी होती है जिसमें रेडिएशन के थ्रू वो ट्यूमर को ब्रेक डाउन किया जाता है। फिर नेक्स्ट होती है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में ये होता है कि वो ऑर्गन को या उसके पार्ट को जहाँ तक कैंसर है उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो इसमें आप लोगों ने बताना है कि सबसे पहले सक्सेसफुल ट्रीटमेंट इसकी मोस्टली यही होती है कि जो ट्यूमर है ना उसको रिमूव कर दिया जाए। अगर क्योर तभी होता है इसका पॉसिबल अगर जो ट्यूमर है वो लोकलाइज हो तो उसको रिमूव किया दिया जाए, वरना ये बहुत मुश्किल क्योर होता है क्योंकि अगर दूसरे ऑर्गन तक स्प्रेड हो जाए तो इसको क्योर करना मुश्किल हो जाता है। इसके मेडिसिन देंगे कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट 5-फ्लोरोयूरासिल, और उसके अलावा करेंगे टोटल गैस्ट्रेक्टमी। टोटल गैस्ट्रेक्टमी में ये होता है कि पूरा जो स्टमक है उसको रिमूव कर दिया जाता है। उसके अलावा The entire stomach, duodenum and lower portion of esophagus भी sometime जो है अगर उधर तक स्प्रेड हो गया duodenum तक, esophagus तक और mesentery जो arteries हैं वहां तक और lymph nodes, तो इन जहां जहां तक स्प्रेड हुआ है इसका सोल्यूशन यही होता है कि उसको रिमूव कर दिया जाए वरना ये फर्दर स्प्रेड होता रहता है। तो इसको जब हम रिमूव करते हैं तो फिर इसोफेगो जुजिनोस्टोमिक की जाती है, यानी कि इसोफेगस को डायरेक्टली जुजिनम के साथ फिर कनेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि अपने जीआईटी ट्रैक तो मेंटेन रखना होता है ना, तो फिर इसोफेगस को डायरेक्ट जुजिनम के साथ करके जीआईटी ट्रैक को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो ये थी इसकी मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में आपने सबसे पहले बताना है कि कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट देंगे जिसमें 5-फ्लोरोयूरासिल है, और इसका क्योर तभी पॉसिबल है अगर ट्यूमर लोकलाइज हो तो उसको रिमूव कर दिया जाए। अगर ये स्प्रेड हो जाता है तो फिर आपने क्या करते हैं कि टोटल गैस्ट्रेक्टमी करते हैं। उसके बाद आप साथ में जो इसोफेगस है, ड्यूडिनम है उसको और मेसेंट्री आर्टरीज और लिम्फ नोड वहां तक स्प्रेड है तो उसको भी आपने रिमूव करना होता है। और उसके बाद इनको रिमूव करने के बाद इसोफेगो जुजिनोस्टोमी यानी कि इसोफेगस को डायरेक्टली जुजिनम के साथ कनेक्ट किया जाता है ताकि जीआईटी ट्रैक को मेंटेन रखा जा सके। सर जी, सर अगर हम स्टमक को रिमूव कर देंगे हमने डाइजेस्टिव ट्रैक को तो मेंटेन कर लिया कि एसोफेगस को जेजनम के साथ हमने अटैच कर दिया, लेकिन जो स्टमक का फंक्शन था डाइजेशन का वो किस तरह से परफॉर्म होगा? एक्चुअली ये एक एबनॉर्मेलिटी है ना, अब कंडीशन इस तरह की है अगर उसको मेंटेन ना रखा जाए तो वो फिर आपका तो जीआईटी ट्रैक चल ही नहीं सकता। इसमें ये होता है कि फिर इस तरह के पेशेंट को जो फूड दी जाती है उनको बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ज्यादा च्यू करके उनको वो खाना पड़ता है क्योंकि अगर थोड़ी सी भी वो सॉलिड फूड लेंगे तो वो उनकी डाइजेशन नहीं होगी। तो इस तरह के पेशेंट जो है वो फिर जो डाइट है वो बहुत सॉफ्ट लेते हैं और बहुत च्यू करके खाते हैं ताकि वो प्रॉपरली गुजर सके आगे से। वो अब ये है तो नॉर्मल थी ना, तो इस तरह के पेशेंट के लिए फिर बहुत ज्यादा मुश्किल होता है सर्वाइव करना। इसके फिर मोस्टली लिक्विड डाइट दी जाती है, ओरल सिप्स दिए जाते हैं, ज्यादा फूड ये लोग फिर अब्सॉर्ब नहीं कर सकते। ओके सर। अच्छा, डायग्नोस में देखें वही सारे डायग्नोस हैं, एंजाइटी होगी, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन होगी, डेफिशिएंट नॉलेज होगा, पेन होगी और एंटीसिपेटरी ग्रीविंग। अच्छा, जीआईटी की जितनी भी डिसऑर्डर्स है ना उसमें अगर आपको आएगा ना तो उसमें से आपने 2 से 3 डायग्नोस सब में लिखने हैं। एंजाइटी सब में बनेगा, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन और डेफिशिएंट नॉलेज, ये 3 डायग्नोस ऑलमोस्ट हर डिसऑर्डर जीआईटी में आप लिख सकते हैं। और पेन भी मोस्टली अक्सर डिसऑर्डर्स में आ जाता है, लेकिन पेन आपने देख के लिखना है कि अगर ज्यादा पेन वाली डिजीज होगी फिर आपने उसमें मेंशन करना है, लेकिन बाकी जो 3 है ये आप हर डिसऑर्डर में लिख सकते हैं जीआईटी की। इसी को आपने नर्सिंग मैनेजमेंट बना देना है कि आपने एंजाइटी को कम करना है, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना है, पेशेंट की टीचिंग करनी है ताकि उसको नॉलेज दिया जा सके, पेन को रिलीव करना है,
ठीक है, तो ये सारी यही नर्सिंग मैनेजमेंट है इसकी। रिड्यूस एंजाइटी, न्यूट्रिशन, पेन रिलीफ, एडजस्टमेंट टू डायग्नोस एंड एंटिसिपेटेड। नर्सिंग मैनेजमेंट आप लोगों ने खुद से लिखनी होती है, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट लेना होता है आपने, 4 से 5 पॉइंट्स जो है वो आपने लोगों ने खुद से बना के लिखने होते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में आपके नंबर नहीं करते, आपको डिजीज का आइडिया हो और सारा हो, तो अगर इस तरह की चीजें आप लिखेंगे तो आपके नंबर नहीं इसमें कटेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने टेबल्स जो है वो ये सारी वही नर्सिंग प्रमोट न्यूट्रिशन, बस आप लोगों ने मेन हेडिंग करनी है, ये डिटेल्स नहीं आगे से करनी। रिलीफ पेन, प्रोवाइड साइको सोशल सपोर्ट, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने नर्सिंग मैनेजमेंट को करना है। अब हम लोगों ने किया है गैस्ट्रिक कैंसर। गैस्ट्रिक कैंसर इसमें सबसे पहले हमने इसके कोजेज देखे। कोजेज में हम जो पैथोफिजियोलॉजी थी इसमें हमने देखा कि सबसे मोस्टली ये होता है लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक में, और सबसे पहले ट्यूमर जो है वो म्यूकोजा में होता है, लेकिन फिर स्टमक की वॉल में और फिर एडजेसेंट ऑर्गन में भी स्प्रेड कर जाता है। ये मैनिफेस्टेशन में आपने सारी स्टमक की सिम्टम बतानी है, जिसमें पेन, डिस्पेप्सिया, लॉस ऑफ एपिटाइट, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ये सारी इसकी सिम्टम्स होंगी। डायग्नोस्टिक में फिजिकल एग्जामिनेशन में ये पल्पेबल नहीं होता, और अगर ज़्यादा एडवांस हो तो फिर जो है एक ट्यूमर पल्पेबल होता है। उसके अलावा आपने इसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडिनोस्कोपी करनी है और बायोप्सी करवानी है, और साथ में सीटी स्कैन। उसके बाद आप लोगों ने मैनेजमेंट में सबसे पहले कीमोथेरापेटिक एजेंट 5-फ्लोरोयूरासिल ये यूज होते हैं, और फिर अगर ट्यूमर लोकलाइज हो तो उस पार्ट को रिमूव कर दिया जाए तो फिर ये ट्रीट हो सकता है। अगर ये ज्यादा स्प्रेड हो जाए दूसरे ऑर्गन में तो फिर स्टमक को, वो ड्यूटेनम को, सबको रिमूव करना पड़ता है, और इसके बाद इसोफेगोजिजिनोस्टोमी फिर परफॉर्म करते हैं। और नर्सिंग मैनेजमेंट में आपने डायग्नोसिस के नाम याद करने हैं, और ये सारी इंटरवेंशन एंजाइटी रिड्यूस करनी है, न्यूट्रिशन इम्प्रूव करनी है, पेन रिलीफ करनी है, और एडजस्टमेंट डायग्नोस्टिक एंड एंटीसिपेटरी लाइफस्टाइल चेंज। क्लियर है यहाँ तक सबको गैस्ट्रिक कैंसर? आज हमने सेकंड पोर्शन किया है इसका, जीआईटी डिसऑर्डर्स का, डिसऑर्डर्स ऑफ स्टमक। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? सर डायग्नोसिस में सिर्फ हमें एक ही लफ्ज लिखना होता है, जैसे एंजाइटी है, इंबैलेंस न्यूट्रिशन या जो? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। डायग्नोस आपको बनाने आते नहीं है, डायग्नोस के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, और उसके बाद इटियोलॉजी होती है, फिर उसके बाद होता है साइन एंड सिम्टम्स। 3 पार्ट होते हैं डायग्नोस के। एक मिनट, कहाँ गया है इसके डायग्नोस? प्रॉब्लम, इटियोलॉजी एंड साइन एंड सिम्टम्स। जब भी आपने डायग्नोस लिखने हैं यूएचएस में तो आप लोगों ने तीनों चीजें मेंशन करनी है। एंजाइटी रिलेटेड टू उसका आएगा कोज, कोज कोई भी हो सकता है, जैसे डिजीज, एंटीसिपेटेड ट्रीटमेंट एज मैनिफेस्टेड बाय उसके साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। ये 2 वर्ड स्पेसिफिक यूज करते हैं, रिलेटेड टू और एज मैनिफेस्टेड बाय। 3 पार्ट होते हैं डायग्नोस के हमेशा। प्रॉब्लम, सबसे पहले हम प्रॉब्लम लिखते हैं, सेकेंड पे फिर हम लिखते हैं इटियोलॉजी, और थर्ड पे हम लिखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। प्रॉब्लम के बाद कोई भी प्रॉब्लम हम वो लिखते हैं जो नैंडा स्पेसिफिक वर्ड होता है, जैसे एंजाइटी, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, ये नैंडा के दिए हुए वर्ड है, तो वो वर्ड लिखते हैं। फिर उसके बाद आप रिलेटेड टू लिखते हैं, उसके बाद इटियोलॉजी उसकी जो है वो लिखते हैं, फिर एज मैनिफेस्टेड बाय के बाद आप लिखते हैं जो इसके साइन एंड सिम्टम होते हैं। तो ये पूरा सेंटेंस बनता है, 3 पार्ट होते हैं इसके। आप लोगों को, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में F1 में ये, ठीक है। हमने कुछ नहीं पढ़ा, आप हमें बता दीजिएगा प्लीज। ठीक है, अभी आपको कुछ क्लियर हो गया? अगर नहीं समझ आएगी तो आप मुझे पूछ दोबारा, मैं आपको डिटेल में फिर ये बता दूंगा, ठीक है। डायग्नोसिंग बनाना सिखा दें प्लीज। ठीक है, मैं डायग्नोस आपको सिखा दूंगा किसी दिन। ओके ठीक है, और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो? समझ ला गई है सबको यहाँ तक? ठीक है, कौन सी बच्चा? मुबीन सलीम प्रेजेंट है अभी आप? जी सर, यस सर। मैंने पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था, आपने आंसर नहीं किया था तब। सर किया था मैंने स्टार्ट में। आंसर दिया था आपने? जी। ठीक है, आप मुझे बताएं कि व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर? सर इसमें पेन रिलीफ बाय एंटी एसिड्स, और इसमें एंजाइटी होगी, वेट लॉस, एब्डोमिनल पेन,
जस्ट अबव द एम्बिलिकल डिस्पेप्सिया होगा, इंडिजेशन, ब्लोटिंग, नोजियल वॉमिटिंग, एपिटाइट, लॉस ऑफ एपिटाइट। ठीक है, अच्छा, वेरी गुड। अच्छा एक बात आप लोगों को मैं समझाऊं, अभी हम लोग स्टार्ट में तैयारी शुरू करते हैं ना तो बहुत मुश्किल लगता है कि मतलब स्टार्ट से पढ़ना और एंड तक कंटिन्यू रखना, तो लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि अभी ये चीजें आपको बहुत मुश्किल लग रही होंगी कि डेली डेली साथ साथ करना, लेकिन जब आपका लास्ट पे जब आएगा ना तैयारी का टाइम, तो आपको ये चीजें इतना फायदा देंगी ना कि आप बहुत अच्छी तैयारी तब तक आपकी हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि डेली 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 का डेली किया करें और अभी से तैयारी स्टार्ट करें अच्छी तरह। अगर अभी से आप मेहनत करेंगे ना तो एट द एंड आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और पेपर जैसा भी आएगा आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे। तो अभी से आप लोग साथ साथ जो कर रहे हैं हम वो करते जाएं, कोशिश करें कि अपना सिलेबस जो है जितनी जल्दी कवर हो जाए और फिर आपको 2-3 महीने वीएन के लिए अच्छी तरह मिल जाए, फिर आप वीएन करें। अभी से तैयारी स्टार्ट करें, बहुत अच्छी इंशाल्लाह आपकी तैयारी होगी तो आप देखिएगा पेपर बहुत अच्छा होगा। इस चीज को अभी से इम्प्लीमेंट करें। सबसे जो मेन चीज है आपके कामयाब होने के लिए वो है आपकी कंसिस्टेंसी। अगर आप ये हम लोग सोचते हैं ना मतलब मोस्टली के लास्ट पे जाके तैयारी कर लेंगे 2-3 महीने में, तो फिर वो आप तैयारी तो कर लेते हो लेकिन आप उस तरह अच्छे नंबर नहीं ले सकते। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप लोग जो है अभी से तैयारी शुरू करें अच्छी तरह। अगर अभी से आप कंसिस्टेंटली डेली का डेली करेंगे तो एट द एंड ये आप चीज आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगी। ये दोनों टेस्ट हैं, एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है। इसमें ये होता है कि एक आपके जो है ना दोनों रेडियोलॉजी के टेस्ट होते हैं, ठीक है, रेडिएशन के थ्रू किया जाता है। सीटी स्कैन में इनमें डिफरेंस ये होता है कि एमआरआई में जो है ना ज्यादा आपको डीपली ऑर्गन्स को स्टडी किया जाता है और सीटी में कंप्यूटर टोमोग्राफी होती है, इसमें भी एक और स्पेसिफिक तरह के रेडिएशन जो है उसे एक्सपोज किया जाता है। अच्छा कल आपका जो है वो टेस्ट होगा उसका फर्स्ट पोर्शन का डिसऑर्डर्स ऑफ माउथ एंड ओरल कैविटी। सब बच्चों ने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, 8:30 एग्जैक्ट 8:30 पे आपका जो टेस्ट स्टार्ट होगा, 20 मिनट्स का टेस्ट होगा जस्ट, ठीक है। तो आप लोगों ने सबने प्रिपेयर करके आना है, ठीक है, ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही है, अल्लाह हाफिज़। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हिपेटोपिलरी सिस्टम, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। टेस्ट की टाइमिंग मैंने इसलिए रखी है कि सिर्फ 20 मिनट्स आपके सिर्फ चाहिए, तो 20 मिनट आप लोग निकाल लेंगे ना, मैंने इसलिए रखे थे कि हमारी क्लास भी हो जाए और टेस्ट भी हो जाए, तो सिर्फ 20 मिनट्स है, ज्यादा नहीं है। 20 मिनट्स तो आप मैनेज कर ही लेंगे ना किसी तरह, कहीं भी इंसान और 20 मिनट तो मैनेज कर ही लेते हैं, ठीक है। तो उस टाइम तो आपकी कोई ड्यूटीज भी नहीं आई थिंक होंगी, ओके, अल्लाह हाफिज़।